हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डाइस के सभी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। डाइस के कौन कौन से क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए, डाइस यानी पासा, दो तरह की डाइस होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, दूसरी होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा। ये साधारण पासा भी दो तरह का होता है, क्लोज डाइस यानी बंद पासा, और दूसरी होती है ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर इसके क्वेश्चंस को बताऊँगा, उसके बाद मैं साधारण पासे के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर इसके क्वेश्चंस को बताऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। दोस्तों, अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑलवेज 7, यानी दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत फलक का मतलब जो आमने सामने के फेसेस होते हैं उनका जोड़ हमेशा क्या होगा? 7। और जो सामने के फलक होते हैं फ्रंट फेसेस, यानी ये जो आपको फ्रंट फेस पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसी भी दो नंबर का सम 7 के बराबर नहीं होगा। इस डाइस में देखिए, 1+2 3 होता है, 7 के बराबर नहीं है। 2+3 5 होता है, 7 के बराबर नहीं है। 3+1 4 होता है, 7 के बराबर नहीं है। इस डाइस में देखिए, 4+5 9 होता है, 7 के बराबर नहीं है। 5+6 11, 7 के बराबर नहीं है। और 6+4 10 होता है, जो 7 के बराबर नहीं है। अब अगर मैं विपरीत फलकों की बात करूं तो ये देखिए, 1 1 के विपरीत में यहाँ पीछे कितना होगा? 1+ टोटल होना चाहिए 7, तो 6 जोड़ेंगे तभी तो होगा 7, तो यहाँ पीछे कितना होगा? 6। 2 के अपोजिट में यहाँ नीचे कितना होगा? 2+5, क्योंकि जोड़ होगा 7, तो नीचे यहाँ कितना होगा? 5। 3 के अपोजिट में यहाँ कितना होगा? 3+4, जोड़ होगा 7, क्योंकि ये विपरीत फलक हैं, तो यहाँ पर कितना होगा? 4। अब इस डाइस में देखिए, 5 के अपोजिट में यहाँ कितना होगा? 2, क्योंकि 5+2 7। 6 के अपोजिट में यहाँ कितना होगा? 1 6+1 7। और 4 के अपोजिट में पीछे कितना होगा? 3, यानी 4+3 7। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासे के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये है आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा। और साधारण पासे में क्या होता है? ये जो फ्रंट के फेसेस हैं, ये जो सामने के फेसेस हैं, ये इनमें किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 होना चाहिए। यहाँ देखिए, 1 and 6, इन दो फेसेस में क्या है? 1+6, इन दोनों फेसेस का सम कितना है? 7। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। दोस्तों, पासों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ डाइस, ये है स्टैंडर्ड डाइस और ये है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? फ्रंट यानी जो सामने के फेसेस ये जो हैं, इनमें किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं होगा, तो ये है स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये जो सामने के फेसेस हैं, इनमें किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 के बराबर होगा। ये देखिए, 3+4 कितना है? 7, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब व्हेन टू डाइसेस आर गिवन, जब दो पासे दे रखे हों, मतलब जब दोनों डाइसेस कैसी हों? स्टैंडर्ड हों। जब दोनों डाइसेस कैसी हों? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हों। और जब एक डाइस स्टैंडर्ड डाइस हो और दूसरी हो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1, जब दोनों डाइसेस स्टैंडर्ड डाइस हैं। नंबर 2, जब दोनों डाइसेस नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं। और कंडीशन क्या है? व्हेन ऑल नंबर आर डिफरेंट, जब सभी अंक अलग अलग हों। देखिए, यहाँ सभी अंक अलग अलग हैं और ये भी स्टैंडर्ड डाइस है और ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो फ्रंट के फेसेस होते हैं उनमें किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, किन्हीं भी दो फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं है और यहाँ भी 7 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस की, जब दोनों डाइसेस स्टैंडर्ड हों। अब हमें बताना है 1 के विपरीत में क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट फेस, जो आमने सामने के फेस होते हैं, उनका सम कितना होता है? 7। तो 1 के विपरीत में कितना होगा? 1 के विपरीत में होगा 6। क्यों? क्योंकि 6+1 होता है 7, और 6 के विपरीत में क्या होगा? 1। अब अगर वो कहे 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के विपरीत में होगा 5, क्योंकि 5+2 कितना होता है? 7, और 5 के विपरीत में कितना होगा? 2। अब अगर वो कहे 3 के विपरीत में कितना होगा, तो 3 के विपरीत होगा 4, और 4 के विपरीत में होगा 3। अब देखिए, अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो फ्रंट के फेसेस होते हैं, सामने के फेसेस का सम 7 के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए, 6+1 7 के बराबर है और 4+3 7 के बराबर है। तो ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं। अब हमें बताना है यहाँ 1 के विपरीत में क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो 1 है, इस 1 के विपरीत में सबसे पहले ये देखिए, इनमें से कौन से नंबर नहीं होंगे। अब इस 1 के विपरीत में 6 तो सामने है, 6 नहीं होगा। 1 के विपरीत में खुद 1 भी नहीं हो सकता है, और 1 के विपरीत में ये 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो सामने है। अब हो क्या सकते हैं 1 के विपरीत में? 1 के विपरीत में या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। अब अगर एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दे दे, तो इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे आप? देखिए, 6 तो हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो लास्ट ऑप्शन बचा है 3। तो आपका ऑप्शन कितना होगा? 3 आपका ऑप्शन सही होगा। अब अगर एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दे देता, 6, 3 और 4, 2 और 4 और
टू और थ्री और फोर, तो यही ऑप्शन है, क्योंकि टू दो हो सकता है या तीन हो सकता है या चार हो सकता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगर एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दे दे तब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सिक्स और फाइव तो हो नहीं सकते, थ्री हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए डी में क्या है, थ्री और फोर, तो ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी सही ऑप्शन है, तो थ्री और फोर को हम यहाँ पर टिक करेंगे, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ थ्री और फोर सही होगा। अब अगर एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन दे दे तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ कितना है सिक्स फोर थ्री टू, अब देखिए टू और थ्री यहाँ तो तीनों ऑप्शन ये आपके दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए यहाँ देखिए हम यहाँ कैसे चले हैं, वन फाइव सिक्स, यहाँ देखिए बढ़ते हुए क्रम में चले हैं, और यहाँ पर भी देखिए टू थ्री और फोर, यहाँ पर भी हम बढ़ते हुए क्रम में चले हैं, तब क्या होगा, वन के अपोजिट में होगा टू, फाइव के अपोजिट में होगा थ्री, और सिक्स के अपोजिट में होगा फोर, तो वन के अपोजिट में क्या होगा टू, तो ये जो टू है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आगे देखते हैं, जब एक डाइस स्टैंडर्ड हो और दूसरी डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो, दोस्तों मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में इन दो नॉन स्टैंडर्ड डाइस को लेकर एक के विपरीत की चार कंडीशन बताई थी, उन चारों में मैंने सही ऑप्शन को टिक कराया था कि कैसे सही ऑप्शन को टिक करेंगे। अब अगर मैं इन दो नॉन स्टैंडर्ड डाइस को चेंज करके इस कंडीशन में ले आऊँ, देखिए एक पाँच छः, एक पाँच छः मैंने इस टाइप से ले लिया, दो तीन चार और दो तीन चार मैंने इस टाइप से ले लिया, तो छः का विपरीत क्या होगा ये कैसे बताएंगे। अब देखिए छः का जो विपरीत है, इस छः का विपरीत देखिए छः हो नहीं सकता, एक भी नहीं होगा क्योंकि एक तो यहाँ सामने है, और पाँच भी नहीं होगा क्योंकि पाँच भी सामने है, तो छः का विपरीत क्या हो सकता है, या तो दो होगा या तीन होगा या चार होगा। अब देखिए अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है पाँच दो चार तीन, तो देखिए पाँच तो हो नहीं सकता छः का विपरीत, अब या तो दो हो सकता है या चार हो सकता है या तीन हो सकता है, क्योंकि दो तीन चार ही हमारे पास, इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है, तो दो चार तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, देखिए एक पाँच छः, ये देखिए एक पाँच छः का ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में, और यहाँ देखिए दो तीन चार, यहाँ पर भी बढ़ता हुआ ही क्रम है, दो तीन चार एक पाँच छः, हमें क्या बताना है छः का विपरीत, तो देखिए एक पाँच छः और दो तीन चार, तो एक से शुरुआत यहाँ हो रही है और यहाँ दो से शुरुआत हो रही है, तो एक का तो विपरीत दो होगा, एक के बाद क्या आ रहा है पाँच, तो और यहाँ दो के बाद कितना आ रहा है तीन, तो पाँच का विपरीत तीन होगा, तीन का विपरीत पाँच होगा, अब पाँच के बाद क्या आ रहा है छः, और यहाँ तीन के बाद कितना आ रहा है चार, तो छः का विपरीत क्या होगा चार, तो आपका ये जो सी ऑप्शन है चार ये करेक्ट होगा। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये है स्टैंडर्ड डाइस और ये है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, कैसे, देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, फ्रंट के फेसेस पर किन्हीं भी दो फेसेस का सम सेवन के बराबर नहीं होना चाहिए, ये देखिए फाइव प्लस फोर नाइन, फोर प्लस सिक्स टेन, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, और ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस, फ्रंट के फेसेस पर किन्हीं भी दो फेसेस का सम होना चाहिए सेवन, ये देखिए फोर प्लस थ्री सेवन, तो ये स्टैंडर्ड डाइस और ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, हमेशा याद रखना है जब भी एक स्टैंडर्ड डाइस होगी और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगी तो हमेशा एक ना एक नंबर कॉमन जरूर होगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ फोर और यहाँ फोर कॉमन है, तो अब मुझे निकालना है पाँच का विपरीत क्या होगा और दो का विपरीत क्या होगा, हमेशा याद रखना है जब भी जो नंबर कॉमन होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस कॉमन नंबर के या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कैसे भी चल सकते हैं, या घड़ी की दिशा में चल सकते हैं या घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूँगा इस फोर से ऐसे चलूँगा और यहाँ पर इस फोर से ऐसे चलूँगा, अब फोर तो है कॉमन, अगर मैं यहाँ से फोर से चलूँगा तो फोर के बाद कितना आ रहा है फाइव, और फाइव के बाद कितना आएगा सिक्स, अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्लॉकवाइज चलूँगा तो फोर के बाद में कितना आएगा टू, और टू के बाद में कितना आएगा थ्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू का विपरीत है फाइव का विपरीत है टू, और टू का विपरीत है फाइव, इसका मतलब क्या होगा, सिक्स का विपरीत है थ्री और थ्री का विपरीत है सिक्स, अब बच क्या बचा, क्या बचा एक, तो फोर का विपरीत क्या होगा, फोर का विपरीत होगा वन, फोर का विपरीत वन होगा, वन का विपरीत फोर होगा, तो हमें क्या चाहिए फाइव का विपरीत, फाइव का विपरीत कितना होगा टू, और टू का विपरीत कितना होगा फाइव, दिस इज योर आंसर। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में एक नंबर कॉमन था, लेकिन अगर दो नंबर कॉमन हो जाए तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ टू और यहाँ टू, यहाँ टू और यहाँ टू कॉमन है, और यहाँ थ्री और यहाँ थ्री कॉमन है, तो यहाँ टू थ्री और टू थ्री कॉमन है, तो अब विपरीत क्या होंगे, देखिए जो बच गया वही विपरीत होंगे, ये जो छः है और ये चार है ये बच गए, तो छः का विपरीत कितना होगा चार, और चार का विपरीत होगा छः, तो छः का विपरीत कितना होगा चार, अब
दो का विपरीत कितना होगा? तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, तीन और दो, तीन और दो दोनों डैशेस में कॉमन है, तो तीन और दो के विपरीत में क्या हो सकता है? जो यहाँ पर नहीं है नंबर वही होंगे, और यहाँ कौन से नंबर नहीं है, यहाँ एक नहीं है और पाँच नहीं, यानी तीन और दो के विपरीत में क्या हो सकता है, एक या पाँच। तो इसको समझिए, ये पूरा है क्या, तीन के विपरीत में क्या होगा, एक होगा या पाँच होगा, दो के विपरीत में क्या होगा, एक होगा या पाँच होगा। अब मैं अगर इस एरो को ऐसे लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, एक के विपरीत में या तो तीन होगा या दो होगा, पाँच के विपरीत में या तीन होगा या दो होगा, और हमें बताना क्या है, दो का विपरीत, तो दो का विपरीत क्या होगा, एक और पाँच, दिस इज योर आंसर। अब अगर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाएँ तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कैसे करके करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। दोस्तों अब अगर तीन डैशेस दे रखी हों और आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके ऑप्शन है 2, 3, 6 एंड 5। तो सबसे पहले इन दोनों डैशेस पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों जगह 2 और 2 कॉमन है, तो 2 तो हो गया कॉमन। अब मैं इस 2 के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा, तो मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, 2 के बाद में कितना आएगा 1, और 1 के बाद में कितना आएगा 5, और अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज चलूँगा तो 2 के बाद में कितना आएगा 3, और 3 के बाद में कितना आएगा 4। तो यहाँ इससे क्या पता चल रहा है, 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत है 4 और 4 का विपरीत है 5, तो बचा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, बचा 6, तो 2 का विपरीत कितना होगा 6, और 6 का विपरीत कितना होगा 2। अब मुझे बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो देखिए इस जगह पर क्या नहीं होगा, जो 6 और 1 के विपरीत में है वो नहीं आएंगे, 6 के विपरीत में क्या है, 6 के विपरीत में है 2, तो 2 तो यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, तो 2 तो आपका ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए 1, 1 के विपरीत में क्या है, 1 के विपरीत में है 3, तो 3 1 के विपरीत में 3 तो यहाँ आएगा, इस जगह पर नहीं आएगा, तो 3 भी हो गया आपका कैंसिल। अब 6 तो आपके सामने है, ये तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नहीं आएगा, तो ये भी हो गया आपका कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 5, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 5। दोस्तों ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ओपन डैशेस के क्वेश्चंस बताऊंगा, और यहाँ ये 3 डैशेस गिवन है, वहाँ पर 4 डैशेस अगर एग्जामिनर दे देगा तब आप क्या करेंगे, 5 डैशेस दे देगा तब आप कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी बताऊंगा। अब अगर एग्जामिनर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डैशेस को दे दे तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे आप नंबर्स में डैशेस को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, आपके ऑप्शंस हैं सी डी ई एंड एफ, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है, सबसे पहले आप इन दोनों डैशेस पर फोकस करिए। देखिए यहाँ ई और यहाँ ई कॉमन है, तो मैंने क्या बताया था, या तो आप इस कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, तो अब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो ई के बाद में कितना आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा ए। अब मैं अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से चलूँगा तो E के बाद में कितना आएगा F, F के बाद कितना आएगा C। अब देखिए बचा क्या, A B C D बचा हुआ है, तो E के विपरीत हो जाएगा आपका D, और D के विपरीत होगा E, और यहाँ B के विपरीत F, F के विपरीत B, A के विपरीत C, C के विपरीत A होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नहीं आएगा पहले वो देखते हैं। देखिए A, A के विपरीत में यहाँ क्या आ सकता है, देखिए A के विपरीत में तो C आएगा, तो C यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो देखिए ये जो C है ये C ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब देखिए इस B के विपरीत में यहाँ क्या आ सकता है, B के विपरीत में तो F आएगा ना, यहाँ पीछे यहाँ थोड़ी आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो ये जो F है F भी आपका कैंसिल हो गया, तो बचे हैं अब आपके दो ऑप्शन D और E, इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन सही है। अब देखिए अब यहाँ क्या हुआ है, देखिए A से B, ये यहाँ देखिए A से B नहीं, यहाँ B से A, हम कैसे यहाँ चले हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज B से A चले हैं, तो यहाँ अगर हम B से A चलेंगे तो यहाँ तो हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, तो देखिए यहाँ B से A, B के बाद क्या आया A, A के बाद क्या आया E, अब तो यहाँ देखिए B के बाद क्या आया A, A के बाद क्या आएगा E, ये E आएगा ना, लेकिन यहाँ E नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम चले हैं उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत, तो हमें लेना होगा E का विपरीत, E का विपरीत कितना है डी, तो ये जो डी ऑप्शन है यही आपका इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है।